सहाफी हामिद मीर ने इमरान खान के हुकूमत में आने की खबर दे दी। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा, नवाज और शहबाज शरीफ की गलतियों से इमरान खान का न सिर्फ जेल से बाहर आना मुमकिन है बल्कि वो हुकूमत में भी आ सकते हैं। निजी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफी इख्तलाफात रहे हैं। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ की हुकूमत में पहली मरतबा जेल में डाला गया। शहबाज भी पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जेल गए। आज अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ है तो इसकी वजह इमरान खान है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से दोस्ती पर आमादगी तो जाहिर कर दी, लेकिन पीपल्स पार्टी से दोस्ती पर तैयार नहीं। हामिद मीर ने कहा, जब तक इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाते वो नून लीग के साथ रहेगी। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से पीपल्स पार्टी रजामंद है। इस हवाले से पहले पीपल्स पार्टी और बाद में शहबाज शरीफ से पूछा गया था। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उन्होंने कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना कोई नई बात नहीं। माजी में जिस जमात पर भी पाबंदी लगी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पाबंदी लगी तो तहरीक इंसाफ किसी नए नाम से आ जाएगी। पीटीआई रहनुमा सियासत करते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा, तारीख ये बताती है जो सियासतदान जेल में गया वो बाहर खुद नहीं आता बल्कि मुखालिफ की गलतियों से आता है। नवाज और शहबाज शरीफ इस तरह गलतियां करते रहे तो मेरे ख्याल में इमरान खान न सिर्फ जेल से बाहर आएंगे बल्कि हुकूमत में भी आ सकते हैं।